एएचएन न्यूज़ खबर दुनिया भर से। हमारा सबसे बड़ा मजहब इंसानियत है। राम मंदिर की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करने वाले इमाम आमिर अहमद इलियास का बयान। ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के सदर डॉक्टर आमिर अहमद इलियास ने भी आज अयोध्या में राम मंदिर की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की। इन्होंने मीडिया से बात करते हुए अहमद इलियास ने कहा कि ये नए हिंदुस्तान का चेहरा है। हमारा सबसे बड़ा मजहब इंसानियत है। हमारे लिए कौम सबसे पहले है। ब्यूरो रिपोर्ट, एएचएन न्यूज़। देखिए, ये बदलते भारत की तस्वीर है। आज का भारत नवीन भारत, आज का भारत उत्तम भारत। मैं यहाँ पैगाम मोहब्बत लेके आया हूँ। जहाँ तक पहुँचे मेरे साथ ही आप स्वामी जी साथ में खड़े देख रहे हैं, इसी का नाम भारत है। हमारी इबादत करने के तरीके अलग ज़रूर हो सकते हैं, पूजा पद्धति ज़रूर अलग हो सकती है, हमारी आस्थाएं ज़रूर अलग हो सकती हैं, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा धर्म है वो इंसान और इंसानियत का है। आओ हम सब मिलकर इंसानियत को बरकरार रखें। दूसरा, हम सब भारतीय हैं, भारत में रहते हैं, तो हम सबको चाहिए कि हम अपने भारत को मजबूत करें। हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। दूसरी बात यह है कि आज का जो पैगाम है, आज का जो संदेश है, वो नफ़रतों को ख़त्म करने के लिए है कि बहुत रंजिशें हो गईं, बहुत दुश्मनी हुई, बहुत लोग मारे गए, बहुत राजनीति हुई। अब हम सबको मिलकर एक होकर भारत को मजबूत करना है, भारतीयता को मजबूत करना है। राष्ट्र सर्वोपरि है, इसी पैगाम को आगे लेके जाना है। अखंड भारत हमारा बने, उसकी दिशा में आगे बढ़ें हम सब मिलकर, यही हमारा पैगाम है। जिस तरह से मोदी जी आज पूरी दुनिया के अंदर आज भारत को का नेतृत्व कर रहे हैं, तो हम भी सब मिलकर एक साथ होकर अपने राष्ट्र को मजबूत करें, यही हमारा पैगाम है। एएचएन न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।